हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल ओम क्लासेस। मैं पढ़ा रहा हूँ एक्सरसाइज 1.1 महर्षि विद्या मंदिर की बुक क्लास 6 की एक्सरसाइज 1.1। और इसमें प्रीवियस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको समझा चुका हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम समझाते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। क्वेश्चन नंबर 3, मेक द ग्रेटेस्ट एंड द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट नंबर बाय यूजिंग एनी वन ऑफ द डिजिट ट्वाइस। 3, 5। तो आपको इसमें बताने हैं कि ग्रेटेस्ट नंबर बताने हैं एंड स्मॉलेस्ट नंबर आपको इसमें बताने हैं। हमें यहाँ पे सिर्फ 2 डिजिट दी गई हैं, 3, 5 डिजिट दी गई हैं। आपको इसमें 3 डिजिट के नंबर्स बनाने होंगे। आपको मेक द ग्रेटेस्ट नंबर एंड द स्मॉलेस्ट नंबर्स। तो आपको इसमें देखिए, जो ग्रेटेस्ट नंबर आपको दिया जाएगा, ग्रेटेस्ट नंबर है इसमें आपको 5। आपको इसे 2 टाइम्स राइट कर लेना है, 5 5 एंड देन 3, दैट इज आंसर ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर जब आप राइट करेंगे तो स्मॉलेस्ट नंबर में आप जो स्मॉलेस्ट डिजिट होगी वो आपको 2 टाइम्स राइट कर लेनी होगी, 3 3 5, दैट इज स्मॉलेस्ट नंबर आंसर। एक क्वेश्चन और पढ़ा देते हैं, आपको समझा देते हैं। 4, 8, इसमें भी आपको सेम ऐसी ग्रेटेस्ट नंबर बताने और स्मॉलेस्ट नंबर बताने। डिजिट आपको 2 दी गई है, लेकिन आपको जो ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है वो 3 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर राइट करना है एंड 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर आपको राइट करना है। ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट डिजिट इसमें कौन सी है, 8 8 को आपको 2 टाइम्स राइट कर लेंगे, 8 8 4, दैट इज ग्रेटेस्ट नंबर। एंड स्मॉलेस्ट नंबर जब राइट करेंगे 4 4 8, देन स्मॉलेस्ट नंबर, दैट इज आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 में सी है, डी है, ई है, जिसको आपको होमवर्क पे हम आपको दे रहे हैं। अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप इसे कमेंट पे लिख दीजिएगा, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका आंसर आपको बता दूंगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है क्वेश्चन नंबर 4, सेपरेट द पीरियड ऑफ द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड राइट देम इन वर्ड्स। आपको जो नंबर्स दिए गए हैं 3 4 6 7 0 9, आप इसे इसको नोट करना है, राइट द फॉलोइंग न्यूमरल्स एंड राइट देम इन वर्ड्स, यानी आपको इस नंबर को वर्ड्स पे राइट करना है। तो आप ऐसे पहले भी पढ़ चुके होंगे कि जो हम लोग नंबर्स पढ़ते हैं तो 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakhs। तो आप इसमें करेंगे क्या कि जो सबसे पहले इसमें हम लोग करते हैं कि जो पहले लास्ट से 3 डिजिट होती है वहां पर आप कॉमा लगा देते हैं एंड देन फिर 2 डिजिट के बाद कॉमा हम यूज करते हैं। इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग सबसे पहले हम क्या करेंगे, 3 डिजिट के लिए कॉमा लगा देंगे एंड देन 2 डिजिट के बाद कॉमा इसमें लगा देंगे। अब हम नंबर पढ़ेंगे, 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh। तो lakh पोजीशन क्या हुई, 3 lakh। तो यहाँ पे नंबर नोट करेंगे 3 lakh। फिर से पढ़ेंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000। तो ये 10,000 में क्या लेंगे, 10,000 में 2 डिजिट नंबर्स लेंगे, इसलिए पढ़ेंगे 46,000, 46,000। 1, 10, 100, 700, 9, 700, 9, that is answer। नंबर्स आपको दिए गए हैं और डिजिट आपको दी गई है, इन्हें आपको नंबर्स पे राइट करना है। क्वेश्चन एक और ले लेते हैं, बी ले लेते हैं। 2, 2, 7, 3, 5, 6, 7, 4, इसे भी आपको राइट करना है। सबसे पहले क्या करेंगे कि 3 डिजिट पे कॉमा यूज कर लेंगे, इसके बाद फिर 2 डिजिट पे कॉमा हम लोग इंडियन सिस्टम के अकॉर्डिंग यूज करते हैं। तो राइट इन वर्ड्स, इसे भी हम लोग वर्ड्स पे राइट कर लेते हैं। 1, 10, 100, 1000, 10,000, lakh, 10 lakh, crore। तो करोड़, 2 crore, 26 lakh, 26 lakh, 35,000, 35,000, 675, that is answer।
ये हुए क्वेश्चन नंबर 4 और इसमें सी डी ई है होमवर्क के लिए। अगर किसी प्रकार की आपको प्रॉब्लम लगे तो कमेंट्स पर आप जरूर लिखिए। थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम हो तो आप उसे जरूर बताइए, सब्सक्राइब कर लीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो जब भी हम अपलोड करेंगे नेक्स्ट वीडियो आपको मिल जाएगी। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक्स।